हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 16 जुलाई को हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आज कार्यक्रम की पूरी जानकारी देंगे। कल हरियाणा बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और महेंद्रगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये बैठक होगी तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले भी अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे, अब एक बार फिर से हरियाणा दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 16 जुलाई का डेट जो है ये फिक्स की गई है। 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आज कार्यक्रम की पूरी जानकारी देंगे। कल हरियाणा बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक महेंद्रगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये बैठक होगी। तो देखिए इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें पूरी रणनीति जो है तैयार की गई थी, किस तरीके से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में जो कार्यक्रम रहेगा, गृहमंत्री अमित शाह जो आएंगे उनको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। अक्षय यादव संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अक्षय, देखिए इससे पहले भी हरियाणा का दौरा कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक बार फिर से 16 जुलाई को आने वाले हैं, कितनी तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अमित शाह का 16 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है और महेंद्रगढ़ जिले की महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर जो तैयारियां वो भाजपा की तरफ से तेज कर दी गई है। 10 जुलाई को इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था, वहीं आज डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा है, आज वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तथा एक प्रेस वार्ता करके पूरी जो विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम की उनके द्वारा दी जाएगी। वहीं उसके अलावा अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी 22 जिलों के जो जिला अध्यक्ष तथा विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक के अंदर हिस्सा लेंगे और उनके इस दौरे को लेकर जो विस्तृत चर्चा है वो पदाधिकारियों के साथ की जाएगी तथा उनके दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम सुरक्षा को लेकर जो तैयारी है वो की जा रही है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ही उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करेगा और वहीं पर जो पूरे जो कार्यक्रम की व्यवस्था है वो की जाएगी और 16 तारीख को ओबीसी जो मोर्चा सम्मेलन उसको संबोधित करने के लिए अमित शाह वो आ रहे हैं और कल मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा जो तमाम अधिकारी तथा पदाधिकारियों को निर्देश देंगे और विस्तृत चर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं के मध्य की जाएगी और लोकसभा चुनाव के बाद अब भाजपा है वो विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसको लेकर जो पहले जानकारी दे दी थी कि अमित शाह का दौरा 16 जुलाई को होगा। इससे पहले अमित शाह 19 जून को हरियाणा के अंदर आए थे, तो ऐसे में अंदाज लगाया जा सकता है कि एक महीने के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री का ये हरियाणा का दूसरा दौरा है। तो भाजपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर 5-5 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन अब ओबीसी मोर्चे के सारे अपनी मजबूती जो पकड़ है वो विधानसभा चुनाव के लिए बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 16 जुलाई को हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे।